मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। आपको क्या लगता कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। सीरियस उत्तर दे रहा हूं कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। तो जो आज की चर्चा में, आज के डिस्कोर्स में 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूं कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, एक दो नॉन अलाइन निकले बीच जैसे बलराम थे या रुक्मा थे, या अब हम कहते हैं कि ये ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं, पर वो भी इंटरडिपेंडेंट, फिजिकल मटीरियल इंटरडिपेंडेंस है पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान, जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार। उसके बाद आपको पता, अगर आप पूछें कि उनमें आत्मविश्वास क्यों नहीं यार, वो ये लोगों को क्यों गुमराह करते, चीन के बारे में गलत खबर क्यों फैलाते, इसका मैं कैसे जवाब दूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं साफ कहूं तो वो भी राजनीतिक है कि वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी खबर फैलाते हैं, उनको पता है कि वो सच नहीं, उनको पता है कि अगर कुछ जमीन की बात करते कि ये जमीन जो है 1962 में चाइना ने कब्जा किया था, वो अभी कभी आपको बताते नहीं, वो ऐसे आपको इम्प्रेशन देंगे जैसे ये कल परसों हुआ। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे आपको आपकी सोच में कमी, मेरे सोच में कभी कमी हो सकती है, पर अगर मेरे सोच में कमी है तो मुझे पता कि कहां जाना है, मैं अपने मिलिट्री लीडरशिप फौज या इंटेलिजेंस से बात करूं, मैं चीनी एम्बेसडर को बुला के मैं अपनी खबर के लिए मैं नहीं पूछता।